नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौजवानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और राजधानी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो स्थिति रहेगी ये 1 फरवरी 2019 तक की स्थिति रहेगी, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड जो लिस्ट है हम आपको आज प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने आप को बिल्कुल अपडेट रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। तो चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जो गवर्नर वगैरह हैं वो कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं। तो जो छत्तीसगढ़ है उसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, और इसकी राजधानी रायपुर है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला राज्य। तो अगला राज्य है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं वो भी आनंदीबेन पटेल हैं, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वे हैं कमलनाथ, और इस राज्य की राजधानी है भोपाल। चलिए देखते हैं अगला राज्य। तो तीसरा राज्य है राजस्थान, और इसके जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं जो वर्तमान में वो कल्याण सिंह हैं, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर वो अशोक गहलोत हैं। और बता दें कि इसकी जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है वो जयपुर है। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वे हैं के राजशेखरन, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो पीयू जोरामथांगा हैं, और जो इसकी राजधानी है वो आइजोल है। अगला हमारा यहाँ राज्य आएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं वे हैं ई एस लक्ष्मी नरसिम्हन, जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तेलंगाना राज्य के राज्यपाल का, और जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना राज्य के वे हैं के चंद्रशेखर राव। और बता दें कि जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद है। दोस्तों, बता दें कि जो तेलंगाना राज्य है ये भारत देश का 29वां राज्य है, और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, तो डेट आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। तो अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड राज्य के जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं ये हाल ही में बनाई गई हैं, ये हैं बेबी रानी मौर्य, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर वे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राजधानी जो है कैपिटल वो है देहरादून। और बता दें कि जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस है वह 9 नवंबर 2000 को होता है, तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। तो अगला स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं वे हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं मनोहर लाल, और हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। चलिए चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। तो अगला स्टेट है हमारा बिहार। तो बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं लालजी टंडन, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर वे हैं नीतीश कुमार, और बिहार राज्य की जो राजधानी है वह पटना है। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वे हैं सत्यपाल मलिक, और बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी कोई भी नहीं है, यहाँ पर पहले राज्यपाल शासन था जो कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और बता दें कि जो इसकी राजधानी है श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन, तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। तो अगला स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम के जो राज्यपाल हैं गवर्नर हैं वे हैं गंगा प्रसाद, और जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वे हैं पवन कुमार चामलिंग, और इसकी जो राजधानी है सिक्किम की वह गंगटोक है। तो नेक्स्ट राज्य है मेघालय। तो मेघालय स्टेट के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं ये हैं तथागत रॉय, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा जो हैं मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, और जो मेघालय की राजधानी है वह शिलोंग है। तो अगला स्टेट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के जो राज्यपाल हैं वे हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं विप्लव कुमार देव, और जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी है अगरतला। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं ये हैं ई एस लक्ष्मी नरसिम्हन। तो ई एस लक्ष्मी नरसिम्हन जो हैं ये आंध्र प्रदेश स्टेट के गवर्नर हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर वे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू, और राजधानी जो है इसकी अमरावती है। तो याद रखिएगा तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और दोस्तों बता दें कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, और यह राज्य जो था स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, और उस समय इस राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी थी वह कर्नूल थी, जबकि वर्तमान में इसकी राजधानी अमरावती है। अगला स्टेट देखते हैं। तो अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ये हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी शर्मा, जो कि सेवानिवृत्त हैं। तो बीडी शर्मा जो हैं राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के, और अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं पेमा खांडू। और इसकी जो राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है, वह है ईटानगर। नेक्स्ट हमारा स्टेट है असम। तो असम राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर वर्तमान में, वे हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल। तो सर्वानंद सोनोवाल जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और असम राज्य की जो राजधानी है वह दिसपुर है। अगला स्टेट है गोवा। तो गोवा स्टेट के जो राज्यपाल हैं ये हैं मृदुला सिन्हा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर, और यहाँ की राजधानी है पणजी। तो गोवा राज्य की जो राजधानी है पणजी है, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट राज्य है गुजरात। तो गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और जो यहाँ की राजधानी है गुजरात राज्य की वह है गांधीनगर। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है वर्तमान में, ये हैं आचार्य देवव्रत, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं रघुवर दास, और झारखंड राज्य की जो राजधानी है वह रांची है। नेक्स्ट राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं ये हैं वाजू भाई वाला, और मुख्यमंत्री जो हैं चीफ मिनिस्टर ये हैं एच डी कुमार स्वामी, और कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है यह है बेंगलुरु। तो अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा केरल। तो केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त पलनी स्वामी सदाशिवम। तो पलनी स्वामी सदाशिवम जो हैं, या पी सदाशिवम जो हैं, ये केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं ये हैं पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन जो हैं केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और केरल राज्य की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं चेन्नमनेनी विद्यासागर राव। तो सीवी राव यानी कि विद्यासागर राव जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र राज्य के वे हैं देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ की राजधानी जो है वह मुंबई है। अगला है मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं एन बीरेन सिंह, और मणिपुर राज्य की जो राजधानी है वह इम्फाल है। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। तो पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जो हैं नागालैंड राज्य के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, और राजधानी नागालैंड की कोहिमा है। अगला स्टेट है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं ये हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं नवीन पटनायक, और ओडिशा राज्य की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है वह है भुवनेश्वर। अगला स्टेट है हमारा पंजाब। तो पंजाब राज्य के जो राज्यपाल हैं तो ये हैं वीपी सिंह बदनौर। तो वीपी सिंह बदनौर जो हैं पंजाब स्टेट के गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब राज्य की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा कि जो हरियाणा राज्य है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं TEK पलनी सामी, और यहाँ की जो राजधानी है तमिलनाडु राज्य की वह चेन्नई है। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वे हैं राम नाईक, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये है लखनऊ। नेक्स्ट हमारा राज्य है पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं ये हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, और राजधानी जो है पश्चिम बंगाल की वह कोलकाता है। तो ये तो हो गए 29 राज्य। चलिए अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला आएगा दिल्ली, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यानी कि NCR रीजन है। तो दिल्ली के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक हैं वे हैं अनिल बैजल, जो कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक होते हैं, और यहाँ पर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक हैं वे अनिल बैजल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ की जो राजधानी है दिल्ली की वह न्यू दिल्ली है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा यानी कि यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और
एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं वे हैं डॉक्टर किरण बेदी, जो कि आईपीएस हैं, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वे हैं वी नारायण सामी। और यहाँ की जो राजधानी है वह पुदुचेरी ही है। तो पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं वे हैं डॉक्टर किरण बेदी और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी। अगला हमारा यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड। और यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वे हैं एडमिरल डी के जोशी। तो एडमिरल डी के जोशी यहाँ के प्रशासक हैं। और इस जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है वह है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, इसको आप याद रखिएगा। अगली यूनियन टेरेटरी है हमारी दादरा और नगर हवेली। तो इस यूनियन टेरेटरी के जो प्रशासक हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ की जो राजधानी है वह सिलवासा है। तो दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा है, इसको आप याद रखिएगा। अगली जो यूनियन टेरेटरी है हमारी वह है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर हैं वे हैं फारूक खान, जो कि आईपीएस हैं सेवानिवृत्त। तो प्रशासक हैं यहाँ के फारूक खान। और दोस्तों लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वह है कवारत्ती। तो कवारत्ती जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी है दमन एवं दीव। तो दमन और दीव के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि प्रशासक हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ की जो राजधानी है वह दमन है। तो दमन और दीव की राजधानी है दमन, याद रखिएगा। अगला और आखिरी जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वह है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी कि प्रशासक हैं ये हैं वीपी सिंह बदनौर। और दोस्तों चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वे वीपी सिंह बदनौर हैं और राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, ये याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप जान चुके हैं सभी राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं और उनकी राजधानी के विषय में। और साथ ही साथ आपने आज की वीडियो में जाना है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है और उनके प्रशासक क्या हैं। और ये स्थिति 1 फरवरी 2019 की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।